मैं सुशीला आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सुशीला टेरिस गार्डन पे। फ्रेंड आज मैं कुछ हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ, तो फ्रेंड हार्वेस्टिंग करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड ये देखिए आज मैं क्या हार्वेस्ट करने जा रही हूँ। फ्रेंड ये देखिए ये मेरा एक गमला है और इसमें देखिए मैंने ये देखिए इसमें चार प्लांट लगे हैं। देखिए एक तो ब्रिंजाल का प्लांट लगा है, एक अमरस लिली का लगा है, एक तुलसा जी का लगा है ये देखिए, और एक देखिए ये लगा है, ये कौन सा क्या नाम है इसका मुझे ये याद नहीं है। तो फ्रेंड ये चार प्लांट लगे हैं और देखिए चारों कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, और वो भी बहुत बड़ा पॉट नहीं है, 10-12 इंची का पॉट है ये देखिए, और इसमें सारे प्लांट ग्रो कर रहे हैं, चार प्लांट ग्रो कर रहे हैं। तो फ्रेंड आप एक गमले में चार चार प्लांट भी लगा सकते हैं। ये देखिए इसमें मेरे दो तुलसा के प्लांट लगे हैं, तो ये देखिए और ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और फ्रेंड इसमें जो है ब्रिंजाल का प्लांट भी लगा है, तो इसमें एक ब्रिंजाल लगा है ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ब्रिंजाल लगा है, तो मैंने कहा इसको तोड़ देने तो ये बीज बन जाएगा, तो आज हम जो है इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड फिर इसको तोड़ते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड ये जो पीले पत्ते हैं ना, ये देखिए इसका पत्ता सूख गया होगा तो इसमें चला गया। तो फ्रेंड ये देखिए हम इसको जो है कट कर दे रहे हैं बैंगन को यहाँ से। ये देखिए कितना अच्छा बैंगन है, कितना बढ़िया बैंगन है। ये देखिए ये पीला पीला हो रहा है, लेकिन आजकल जो है ये आजकल के बैंगन ऐसे ही होते हैं, ऑर्गेनिक बैंगन है, कोई केमिकल नहीं है। तो ये देखिए एक बैंगन हमने ले लिया है, और ये देखिए ये मेरे और गमले लगे हैं। तो फ्रेंड आजकल ये मेरे गुड़हल पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इस गुड़हल पे आजकल नहीं होती बरसात में फ्लावरिंग इन दोनों पे, और ये सितंबर के बाद से जो है फ्लावरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी नहीं करते हैं। ये दो तीन महीने जुलाई अगस्त ये जो है फ्लावरिंग नहीं करते हैं, सितंबर अक्टूबर से करेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए, और ये देखिए फ्रेंड ये मेरा गमला है और इसमें मैंने ब्रिंजाल का प्लांट भी लगा रखा है, और ये देखिए इस पर देखिए कितने सारे वो लगे हैं लेडी फिंगर भिंडी लगे हैं, देखिए कितनी बड़ी बड़ी भिंडियाँ लगी हैं। तो फ्रेंड मैंने सोचा कि इनको भी तोड़ दें, नहीं तो जो है ये जो है कड़े हो जाएंगे। तो अब हम जो है भिंडी की हार्वेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो ये देखिए भिंडी की हार्वेस्टिंग, ये देखिए फ्रेंड ये भिंडी लगी है, तो ये देखिए इतनी मोटी मोटी भिंडियाँ लगी हैं, ये देखिए कितनी मोटी मोटी भिंडी लगी है। और फिर अगर इनको मैं नहीं काटूंगी तो फिर जो है ये जड़ियल हो जाएंगी, इनमें जो है कड़ी कड़ी हो जाएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड ये देखिए ये देखिए मेरे ये तीन भिंडियाँ काटी हैं, और ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी भिंडियाँ लगी हैं, और ये गमले में लगी है फ्रेंड ऑर्गेनिक भिंडी। तो ये देखिए ये मैंने जो है इतनी हार्वेस्टिंग कर ली इधर से, और चलिए और हार्वेस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड अब हम इधर आ गए हैं, तो ये देखिए मेरे इधर भी ब्रिंजाल के प्लांट लगे हैं ये देखिए, और इनमें पता नहीं ये कीड़ा लग रहा है फ्रेंड, ये देखिए पता नहीं कौन सा कीड़ा लग रहा है, ये जाली जाली नुमा कर रहा है, इस पर स्प्रे करना था दवाई का, स्प्रे नहीं किया मैंने। ये देखिए आजकल बरसाती कीड़े लग जाते हैं, तो यार फ्लावरिंग भी हो रही है, ये देखिए ब्रिंजाल के फ्लावर निकल रहे हैं, और ये देखिए इस पर भी फ्लावर निकल रहे हैं, और इस पर ये देखिए इस पर भी ब्रिंजाल लगे हैं, और इस पर भी दो ब्रिंजाल लगे हैं। तो मैंने कहा जो है इनको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड हम इसकी भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये देखिए, तो इतने ही बैंगन लगे थे फ्रेंड इधर, और बाकी लग रहे हैं। ये देखिए मैंने इतनी हार्वेस्टिंग की है,
ये बैंगन का कलर लाल लाल हो गया है और इसका पीला पीला सा, तो मैंने कहा तोड़ देते हैं। तो इतनी हार्वेस्टिंग की है फ्रेंड मैंने। और ये देखिए इधर जो है, इधर बैंगन के फ्लावर अभी लग रहे हैं। ये देखिए अभी बैंगन लगेंगे, अब समय आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और गार्डनिंग करते रहें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो ये देखिए फ्रेंड, और फ्लावर भी खिल रखा है, ये देखिए। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं। थैंक यू।